स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले यूपी स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। 2700 से ज़्यादा वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है यूपी स्वास्थ्य विभाग में। यहाँ पर सभी के लिए वैकेंसी दी गई, स्टाफ नर्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं, एक तरफ से आपको सारी नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है आपको बता देते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। तो आप जब इस पेज पर आएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं, इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो 28 जनवरी 2020 लास्ट डेट रखी गई है। इसके पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैकेंसी टेबल आपको दिखा दूँ और साथ में कौन कौन सी वैकेंसी है दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी वैकेंसी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सारी वैकेंसी आपको दी गई, देख सकते हैं। स्टाफ नर्स की बात करें तो 108 पोस्टें हैं। इसके बाद स्टाफ नर्स एएनआरसी की बात करें तो 4 पोस्टें, इस प्रकार वैकेंसी टेबल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो 810 पोस्टें दी गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर स्टाफ नर्स की बात करें तो 852 पोस्टें हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी, 232 पोस्टें हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की वैकेंसी अलग अलग है और बाकी सारी है। तो आप बीएससी किए हैं नर्सिंग से या जो है टेक्नीशियन से कोर्स किए हैं, लेबोरेटरी से कुछ भी किए हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप योग्यता रखते हैं तो दोस्तों। तो आप इसका जो है नोटिफिकेशन देखकर जो है अपना योग्यता देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है। इस वीडियो में मैं बात करूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बताया गया आवेदन करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करें अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ। तो इस पर सिंपली आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें से मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जो है यहाँ पर देख सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करते हैं, 810 पोस्ट इसके लिए मैं अप्लाई करता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार का, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल दिखाई जाएगी, यहाँ पर लोकेशन दिखाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लोकेशन है। आप देख सकते हैं लास्ट डेट 28 जनवरी 2020 रखी गई है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको इसकी कुछ इसकी नोटिफिकेशन आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं बाकी जो है। तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार के। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आप न्यू यूजर हैं तो लॉगिन करने के पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर के लिए देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में ऊपर दो ऑप्शन है, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा। तो चलिए रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर या मिस जो भी है आप, यहाँ पर फिर अपना नेम इंटर कर लेना है। यहाँ पर हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको ईमेल आईडी अपनी इंटर कर लेनी है और मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, अपने से यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन के लिए यहाँ पर टिक मार्क कर लेना है और यहाँ पर कैप्चा इंटर कर लेना है, जो भी आपके सामने क्वेश्चन है उसका आंसर दे देना है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देने के बाद साइन इन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो चलिए आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, रजिस्टर आप हो चुके हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर देख सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर जो है कंफर्मेशन एसएमएस भेजा जा चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने इंटर कर लिया, आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप रजिस्टर हो चुके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप जिस पोस्ट के लिए चाहें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने ये वैकेंसी टेबल फिर से आ गई है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा था लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर 810 पोस्ट है, इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, आप चाहे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं दोस्तों बता दूं, कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है, तो आप बड़े आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी फीस पेमेंट के। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो यहां पर देख सकते हैं फॉर्म जब ओपन हो जाएगा तो यहां पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर सभी में जो है ये स्टेप होंगे शामिल। यहां पर देख सकते हैं इतने सारे स्टेप होंगे, सबसे पहले पर्सनल डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस अगर कोई तो एक्सपीरियंस डिटेल, लोकेशन प्रेफरेंस कहाँ लोकेशन आप देना चाहते हैं, फिर इसके बाद इमेज एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार इतने सारे स्टेप
आपके सभी जो है पोस्ट में होंगे। तो चलिए एक एक स्टेप करके मैं बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनल डिटेल से। इसके पहले मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसे ही ऑनलाइन फार्म रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों दिखा देता हूँ फार्म फिलअप करके। आप देख सकते हैं आपको एक एक डिटेल इंटर करनी है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको अपना नेम इंटर कर लेना है, पहले से इंटर है यहाँ पर, जो जो आपने पहले इंटर किया था वो इंटर है। अब आपको न्यू यहाँ पर इंटर करना है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर कर लेनी है, हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर इंटर कर लेनी है। एज यहाँ से काउंट किया जाएगा, 5 जनवरी 2020 से आपका एज काउंट किया जाएगा दोस्तों। इसका दोस्तों आपको अपने फादर्स का नेम इंटर कर लेना है हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आप कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे चला जाना और यहाँ पर आपको करंट सिटी का नेम इंटर कर लेना है, जो भी आपकी करंट सिटी हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अपने आधार नंबर का 12 डिजिट यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस अपना है यहाँ पर फिलअप कर लेना है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको पिन कोड इंटर कर लेना है, और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक मार्क कर लीजिए, नीचे अपने आप फिलअप हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहने वाले हैं यहाँ पर बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी आप चूज कर लीजिए। इसके बाद अदर कोई जो है आपकी कैटेगरी, जैसे वो मेन कैंडिडेट हैं या एक सर्विस मैन है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, इंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दीजिए। जो भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस कैटेगरी में आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इसके बाद नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो है एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग को ले चलते हैं। तो देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन कलर से मार्क लग चुका है आपके पर्सनल डिटेल पे। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करनी है, तो चलिए क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या डिटेल मांगा गया है टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की डिटेल मांगी गई, इसके बाद 10+2 की डिटेल मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों आप डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा जो है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या इक्विवेलेंट इसके बराबर का कोई कोर्स होना चाहिए। आप इसके लिए जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये तीनों डिटेल फिलअप करना जरूरी है। चलिए एक एक डिटेल इंटर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल इंटर करना है, तो सिंपली इसी पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं एक एक स्टेप आपको फिलअप करना है, यहाँ पर 10th ऑलरेडी सेलेक्ट है और बाकी डिटेल एक एक करके फिलअप करना है। तो चलिए मैं फिलअप करके आपको बता देता हूँ। पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट अपना इंटर कर लेना है, जिस प्रमुख सब्जेक्ट इंटर करना है। तो आप अगर 10th पास है तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से तो साइंस लिख दीजिए, आर्ट साइंस से तो आर्ट साइंस लिख सकते हैं दोस्तों, पूरा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर कर लेना, जिस कॉलेज से आप थे उस कॉलेज का नेम इंटर कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर लेनी है, फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी आपकी स्टडी है। तो फुल टाइम अगर किए तो फुल टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपना परसेंटेज इंटर कर लेना, हाई स्कूल में जितना परसेंट आपने जो है पाया है यहाँ पर इंटर कर लेना है। और कोर्स स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर कंप्लीटेड डेट लिखना है। तो कंप्लीटेड डेट आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी उस पर लिखा गया है यहाँ पर इंटर कीजिए। और ये स्टार्टिंग डेट जो है आप अपने हिसाब से एक साल का अंतर देकर लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर ऐड पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो चलिए ऐड पर क्लिक कर देते हैं। ऐड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये 10th का डिटेल सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आपको 12th की डिटेल फिलअप करनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर 10th की डिटेल आपकी सेव हो चुकी है, यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद अब आपको 12th की करनी है, तो यहाँ पर 12th पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इंटरमीडिएट पर आपको क्लिक कर देना है और फिर से वही पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोर्स का नेम और बाकी सारी डिटेल इंटर करनी है। तो चलिए इंटर करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको कोर्स का नेम इंटर करना है, तो कोर्स के नेम में आप 12th इंटर कर सकते हैं या इंटरमीडिएट अपने इंटर कर सकते हैं या जो भी आपका हो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रमुख सब्जेक्ट में आप पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपका मेन सब्जेक्ट हो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम अपने कॉलेज का नेम इंटर कर लेना और यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी में सेलेक्ट कर लेना, फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपने इंटरमीडिएट का परसेंटेज यहाँ पर इंटर कर लेना है और कोर्स स्टार्ट डेट कब आपने एडमिशन लिया था और कब जो है पास आउट किया था कंप्लीट किया था डेट इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको सिंपली वही यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना। तो चलिए यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये भी डिटेल सेव हो जाएगा और यहाँ पर शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर 10th और 12th दोनों हमारे सेव हो चुके हैं और यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब इसके बाद जो है आपको लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर करनी है डिप्लोमा का, जो कि आपने लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या जो है उसके इक्विवेलेंट कर रखा है। तो चलिए इसको भी फिलअप कर लेते हैं।
पहले आपको कोर्स का नेम इंटर कर लेना, जैसे अगर आपने डिप्लोमा का रखा तो डिप्लोमा कोर्स का नेम जो भी आप इंटर कर लीजिए। ऐसे ही जो है दोस्तों सभी का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जितने भी फॉर्म है जितने भी पोस्ट है यहाँ पर सेम यही जो है फॉर्मेट आएगा, जो है ऐसे ही आपको फिलअप करना है जो भी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप प्रमुख सब्जेक्ट में जो भी आपका ट्रेड रहा हो, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या जो भी आपका जो है प्रमुख सर्टिफिकेट पर यहाँ पर लिखा हो वो इंटर कर लीजिए। इसके बाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर इंटर कर लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया है कोर्स। इसके बाद दोस्तों अगर फुल टाइम है तो यहाँ पर फुल टाइम सेलेक्ट कीजिए या पार्ट टाइम जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर परसेंटेज इंटर कर लीजिए। इसके बाद आपको कोर्स स्टार्ट डेट और कोर्स कंप्लीटेड डेट इंटर कर लेना, डेट कंप्लीटेड डेट आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके बाद सिंपली आपको फिर से ऐड पर क्लिक कर देना है, जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे ये डिटेल भी आपकी ऐड हो जाएगी और सेव हो जाएगी, वहाँ पर शो करने लगेगी। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं, तो देख सकते हैं आपके सामने फिर से वही पेज आ जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं तीनों डिटेल आपकी शो हो गई है, तीनों डिटेल आपकी शो हो गई, 10th 12th और डिप्लोमा की। तो इस प्रकार आपकी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर से आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर कुछ इसमें मॉडिफाई करना है तो। दोस्तों इसके बाद आपको नीचे चले जाना है, अगर इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से जो है ऐड अदर क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करके कर सकते हैं, और नहीं तो आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल भी फिलअप हो चुकी है। अब इसके बाद एक्सपीरियंस की बारी आती है, तो एक्सपीरियंस में देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक करके, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं तो। तो देख सकते हैं एक्सपीरियंस वाला भी ऑप्शन फिलअप हो गया। अब इसके बाद लोकेशन प्रेफरेंस की बारी आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहते हैं तो उसका प्रेफरेंस देना होगा, तो आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग या अपने जो है नज़दीक के हिसाब से जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो प्रेफरेंस देने के लिए चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे आपको प्रेफरेंस देना है। दोस्तों प्रेफरेंस देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम है तो यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट को आपको पहले प्रेफरेंस देना है उसका नेम चूज कर लेना। चलिए जैसे मुझे अगर प्रयागराज को जो चूज करना है तो यहाँ मैं प्रयागराज पे क्लिक करूंगा, तो आपके सामने इस प्रकार यहाँ पर प्रयागराज को आप चूज कर लेना, प्रयागराज अम्बेडकर नगर का देख सकते हैं ऑप्शन है, तो इसमें से आप चाहे जिससे चॉइस कर सकते हैं, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे चूज करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर में हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना, ऐड प्रेफरेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर आपके शो हो जाएगा। प्रेफरेंस नंबर एक को मैंने वाराणसी दिया है, दूसरे पर जौनपुर को दिया है और तीसरे पर प्रयागराज को दिया है। अब ऐसे ही चौथे पर आपको कोई जो भी डिस्ट्रिक्ट देनी, जैसे आजमगढ़ देनी तो यहाँ पर आजमगढ़ पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आजमगढ़ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, आजमगढ़ पर क्लिक करके ये देख सकते हैं रेड कलर मतलब कलर में हो गया। इसके बाद ऐड प्रेफरेंस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर पर ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहे जितने जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं सभी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, अगर प्रेफरेंस कुछ गलत होगा तो रिमूव कर सकते हैं, या यहाँ से चाहे तो आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आजमगढ़ को तीसरे नंबर पे करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं तीसरे नंबर पे, या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम भी आपको चूज करना है, मिनिमम प्रेफरेंस आपको लोकेशन 10 देने हैं, कम से कम 10 देने हैं दोस्तों, तो 10 आपको चूज करने ही होंगे। चलिए तो 10 प्रेफरेंस आपको देकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आप चाहें तो सभी कर सकते हैं। सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रेफरेंस दे दिया है, मैंने 11 प्रेफरेंस दिया है, आप चाहे तो सभी दे सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 10 देने हैं। तो इतना देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे फिर से चले आना है और सेव प्रेफरेंस एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं लोकेशन प्रेफरेंस पर भी ग्रीन कलर से मार्क लग चुका है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, टोटल 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद इमेज एंड डॉक्यूमेंट अपलोड की बारी आती है, कोई भी फीस पेमेंट नहीं है। तो चलिए इमेज और डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फोटो का फॉर्मेट मैं बता दूँ यहाँ पर JPG या JPEG में होगा, और दोस्तों इसका जो फाइल साइज होगा 100 KB होगा, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB से कम ही होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर की बात करूँ तो सेम वही है, यहाँ पर सिग्नेचर भी 100 KB से कम होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या क्या अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको यूपी स्टेट मेडिकल फैसिलिटी द्वारा जारी जो सर्टिफिकेट आपका है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, यही सेलेक्ट करना है, यूपी स्टेट मेडिकल फैसिलिटी द्वारा जो जारी सर्टिफिकेट है वही आपको अपलोड करना है दोस्तों। तो यहाँ पर अपलोड कर देना है, 500 KB के अंदर में आपको करना है, फॉर्मेट वही रहेगा JPG या JPEG दोस्तों। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है और इशू डेट आपको यहाँ पर इंटर करके अपलोड करना है। तो देख सकते हैं मैंने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया, यहाँ पर फोटो अपलोड कर लिया, सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर चलना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर चलते हैं। तो इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका इमेज एंड
डॉक्यूमेंट पर भी ग्रीन कलर से टिक मार्क लग जाएगा। तो आपका सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन है। तो सबमिट करने के पहले यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर प्रीव्यू करके प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन जो है देख सकते हैं, सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर सारा डिटेल ओके तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको टिक मार्क कर लेना है डिक्लेरेशन को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं ग्रीन कलर बॉक्स में यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट एप्लीकेशन, तो सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है एक बार प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों, क्योंकि कन्फर्म एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, तो इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए मैंने चेक कर लिया, क्लिक कर देना है। फिर आपसे एक बार फिर से पूछा जाए कि आप श्योर हैं, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड द पोजीशन ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन HWC एंड योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज 12200। इस प्रकार आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी जो है इसका नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों तो इस प्रकार आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया। यहाँ से आप चाहें तो एप्लीकेशन प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, और यहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या इसका प्रिंट निकाल कर आप अपने पास रख लीजिए, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों आप अदर बिना कोई पेमेंट करना नहीं है आपको, चाहे आप जिस कैटेगरी से हो, जनरल OBC या SC ST कोई भी कैंडिडेट हो, तो आप बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी भी 2700 से ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आप अगर जो है अगर योग्यता रखते हैं तो अप्लाई जरूर करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूँ दोस्तों, आपको किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, डेली मैगजीन न्यूज़पेपर की आवश्यकता हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस दिखा देता हूँ, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ प्रिंट ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होगी, यहाँ पर फोटो शो होगा, और जब बाकी सारी डिटेल आपने जो जो फिलअप की है, यहाँ पर आपका प्रेफरेंस होगा, सारा डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन आपने ऐड किया है 10th 12th डिप्लोमा का यहाँ पर शो होगा, और नीचे सिग्नेचर शो होगा दोस्तों। इसी प्रकार आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टाफ नर्स के लिए या कोई भी पोस्ट, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे सेम प्रोसेस है, बस क्वालिफिकेशन आपका चेंज होगा और बाकी सेम प्रोसेस है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।